हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और साबूदाने का पापड़। इस पापड़ को मैं उपवास के लिए बनाने जा रही हूँ। आप अगर चाहो तो उपवास के लिए बना सकते हो या फिर आप इसे नॉर्मल खाने के लिए भी बना सकते हो। लेकिन उपवास के लिए बनाएंगे तो सेंधा नमक डाल के बनाएंगे, और नॉर्मल खाने के लिए बनाएंगे तो आप रेगुलर नमक डाल करके बना सकते हो। पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आलू। आलू को बॉईल करके और फिर ग्रेट कर लिया है। अब हम आलू को अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि जो भी ग्रेट किए हुए लच्छे हों या आलू के बड़े टुकड़े हों वो निकल जाए अच्छी तरह से। इस तरीके से हम जब मसल मसल करके आलू को तैयार करेंगे ना, तो बिल्कुल भी पापड़ हमारे जो है ना फटेंगे नहीं, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबूदाना। साबूदाना को मैंने 3-4 घंटे पहले भिगा दिया था, और मैंने यहाँ पर छोटा वाला साबूदाना लिया है। आप कोई भी साबूदाना ले सकते हो। साबूदाना बढ़िया से भीग करके तैयार हो गया है। ऐड करेंगे आलू में। मैंने यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी बराबर रखा है, यानी आलू और साबूदाना को बराबर रखा है। ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर आप पसंद करते हो व्रत में खाना तब आप ऐड करिएगा। 1 चम्मच सेंधा नमक ऐड करेंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। ऑयल डाल देने से हमारे हाथ में डो चिपकेगा नहीं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा, उसके बाद फिर मिक्स करना शुरू कर दीजिएगा। सभी चीज़ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो गया है। पापड़ बनाने के लिए डो तैयार है। अपने हाथ को पहले क्लीन करिएगा, उसके बाद हाथ में लगाइएगा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ताकि हाथ में चिपके नहीं डो। और फिर थोड़ा सा डो से टुकड़ा लीजिएगा और उसको गोल गोल करके रखते जाइएगा। इस तरीके से जब हम पहले गोल गोल करके रखते हैं और फिर पापड़ बनाते हैं, तो पापड़ बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर इतना लोई बना लिया है। चलिए अब चलते हैं, इतने पहले हम पापड़ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पन्नी बिछा लिया है टेबल पे, और लोई को थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। उसके बाद ऑयल में डिप करेंगे, पन्नी के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा ना लोई के ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। और इस तरीके की आप कोई भी पन्नी ले लीजिएगा, कपड़े की जो पन्नी आती है उसको लोई के ऊपर रख करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और फिर इस तरीके की कोई भी आप प्लेट लीजिए, लोई के ऊपर रख करके प्रेस कर दीजिए। इसे बहुत ही बढ़िया पापड़ बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने प्लेट उठा लिया है, बहुत ही बढ़िया पापड़ बन गया है। ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से हाथ घुमाइएगा और फिर पन्नी को निकाल लीजिएगा। इससे पन्नी बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो इसी तरीके से आपको बाकी पापड़ भी बना करके तैयार करना है। ये बहुत ही इजी तरीका है पापड़ बनाने का। आप चाहो तो इसे मशीन में, यानी जो पूरी वाली मशीन आती है ना, उसमें काफ़ी लोग बनाते हैं, तो आप चाहो तो उसमें भी बना सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये तरीका बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से आलू का पापड़ या फिर कोई भी पापड़ जो प्रेस करके बनाया जाता है, उस पापड़ को आप बना सकते हो। सारा पापड़ मैंने बना लिया है, और अब बात करेंगे पापड़ सुखाने की। अगर आप धूप में पापड़ को सुखा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया से पापड़ सूख जाएगा 2-3 घंटे में, और पापड़ बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। लेकिन जिस समय मैंने पापड़ बनाया उस समय धूप नहीं है, तो मैं इसे फ़ैन के नीचे सुखाने वाली हूँ। फ़ैन के नीचे 5 से 6 घंटे में सूख जाएगा, और इसे बढ़िया से सुखा करके फिर आप स्टोर करके रख सकते हो। पाँच घंटे हो चुके हैं और पापड़ मेरा सूख गया है। तो अब मैं आपको ना एक पापड़ फ्राई करके दिखा देती हूँ। फ्राई करने के लिए ऑयल रखा हुआ मैंने गर्म होने के लिए, और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, एक पापड़ को हम डालेंगे। और फिर इसे हम एक चिमटी से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके और अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हल्का कलर डार्क हो जाएगा, फिर हम पापड़ को बाहर निकाल लेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर दिख रहा है पापड़ का, और बहुत ही बढ़िया ये पापड़ हमारा बन करके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप बाकी पापड़ भी फ्राई करिए और फिर इंजॉय करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर व्रत का पापड़ बनाया है, तो मैं तो इसे स्टोर करके रखने वाली हूँ, और जब भी व्रत रहूँगी मैं तो इसे फिर फ्राई करके इंजॉय करूँगी। गाइस, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही रेसिपी आपको मिलती रहे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय गाइस।